ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। समय का उपयोग कैसे करें, हमारे जीवन की सफलता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज मैनेजमेंट का जमाना है, समय प्रबंधन सिखाया जाता है। कोई नई बात नहीं है, समय का नियोजन ये बहुत पुराना सिद्धांत है। समय का नियोजन करें। तीन काल होते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। एक वह समय जो बीत चुका अतीत है, एक वह जो चल रहा है वर्तमान है, और एक आने वाला भविष्य है। आदमी के सामने बड़ी कठिनाई है, वर्तमान में जीता है, वर्तमान में श्वास लेता है और वर्तमान में काम करता है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जो वर्तमान को छोड़कर आदमी करता हो। करने का क्षण है वह वर्तमान का क्षण है, काम कर लिया अतीत बन गया, काम करने वाला है भविष्य हो गया, पर करने का समय वर्तमान है। अब वर्तमान का नियोजन कैसे करें, प्रेक्षा ध्यान का एक सूत्र है। भाव क्रिया उपसंपदा, उपसंपदा का एक संकल्प सूत्र है भाव क्रिया। यह कौशल का शायद इतना उत्तम सूत्र है जितना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। शायद मैनेजमेंट में भी इतना बढ़िया सूत्र अभी नहीं आया, उन लोगों को भी अभी करना है। भावक क्रिया, क्रिया दो प्रकार की होती है, एक द्रव्यक क्रिया और एक भावक क्रिया। जैन पद्धति में निक्षेप की पद्धति है, और निक्षेप में जब विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो दो विशेषण जुड़ जाते हैं, द्रव्य और भाव। द्रव्य क्रिया इसको हम कह सकते हैं मुर्दा क्रिया, प्राणवान क्रिया नहीं है, और भावक क्रिया जीवंत क्रिया, प्राणवान क्रिया। एक आदमी कोई भी काम कर रहा है, जैसे चल रहा है, चलते समय चलने में ध्यान है, और कोई विचार नहीं, विकल्प नहीं, चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसका चलना भाव गमन हो गया। चल रहा है, चलते समय इतने विचार, इतने विकल्प, इतना चिंतन कि पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वह चलना द्रव्य गमन हो गया, यानी उसकी क्रिया प्राणवान क्रिया नहीं रही। खा रहा है, खाते समय ये पता है कि मैं खा रहा हूँ और खाने में ही ध्यान है, तो वह खाना भावक क्रिया है। और खाते समय खाने में बैठा, भोजन करने बैठा, और पता नहीं कहाँ चला जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि भोजन कर लेता है, हाथ भी धो लेता है, जाकर बैठ जाता है, और दो घंटा बाद अपने कर्मचारी से पूछता है, मैंने आज रोटी खाई या नहीं खाई, पता ही नहीं रहता भोजन किया या नहीं किया। यह है द्रव्य क्रिया। आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक ऋषि का, उसमें लिखा है तन मना भुंजीते। कैसे भोजन करना चाहिए, भोजन का विवेक है, तन मना भुंजीते। भोजन करते समय भोजन कर रहा हूँ इसके सिवाय दूसरा कोई विचार नहीं आना चाहिए, तो उस भोजन का पाचन अच्छा होगा। और भोजन करते समय
50 तरह की बात करते रहते हैं। तन मना नहीं होते तो पाचन अच्छा नहीं होता, लीवर का फंक्शन भी ठीक नहीं होता, पाचक रसों का स्राव भी सम्यक नहीं होता, तब फिर गोलियों के सहारे भोजन को पचाना पड़ता है। आजकल की तो शायद ये समस्या होगी कि बहुत लोग भोजन भी करते हैं और पास में फोन है, फोन भी करते रहते। पहले तो घंटियां बाहर बजती थी और अब तो जेब में रहता, कहीं बाहर की जरूरत नहीं है, फोन भी सुनते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं और भी काम करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत है भोजन भी करते हैं, पढ़ते रहते हैं। आवश्यक है कि काम करने के साथ हम भावक क्रिया का भी अभ्यास शुरू करें। आचार शास्त्र में तीन शब्द आते हैं, विधि कृतम, अविधि कृतम और अकृतम। एक काम करते हैं वह विधि कृत है, विधि पूर्वक किया जाने वाला काम है, और एक काम करते हैं अविधि कृतम जो विधि पूर्वक नहीं किया जाता, और एक होता है अकृतम, किया ही नहीं। अब जो नहीं करता वहां कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई काम करता है वहां प्रश्न होता है कि काम विधि पूर्वक किया या अविधि पूर्वक किया, कैसे किया। तो जो अविधि पूर्वक किया वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, उसका लाभ नहीं मिलेगा, परिणाम भी नहीं होगा। जहाँ मन साथ नहीं है कभी कभी अनर्थ भी हो जाता है। एक प्रसंग आता है, सनत कुमार चक्रवर्ती सुंदर बहुत थे, बलदेव भी बहुत सुंदर थे, बलदेव दोनों के संदर्भ में एक प्रश्न आता है, एक प्रसंग आता है कि नगर में आ रहे थे और उनका रूप लावण्य बहुत अधिक था, इतने सुंदर थे, मुनि बन गए। नगर के वासियों को पता चला कि आज बलभद्र मुनि आ रहे हैं अथवा सनत कुमार आ रहे हैं। पता चला, लोग दौड़े, देखने को दौड़े, बहुत सारी पनिहारनियाँ पानी लेने के लिए कुएं पर गई हुई थी और वही रास्ता था, और पता लगा कि मुनि बलभद्र आ रहे हैं। सबका ध्यान इधर हो गया, काम भी कर रही है, ध्यान उन्हें देखने में लग गया। एक पनिहारिन ने काम भी नहीं छोड़ा और ध्यान इधर लगा दिया देखने में, तो घड़े के रस्सा बांध कर कुएं में डालना था। अब ध्यान तो था नहीं, द्रव्य क्रिया हो रही थी, प्राणवान क्रिया नहीं हो रही थी। तो पास में छोटा बच्चा बैठा था, उसके गले में रस्सा बांध कर उसे कुएं में डाल दिया और पता ही नहीं चला। द्रव्य क्रिया में कितनी असावधानियाँ, कितने अनर्थ हो जाते हैं, कार्य की सफलता की तो संभावना ही नहीं। यदि हम अभ्यास करें, प्रयोग करें, प्रेक्षा ध्यान के समय गमन योग का प्रयोग कराया जाता है, आहार योग का भी प्रयोग कराया जाता है कि केवल खाए नहीं, खाते समय ध्यान रहे कि मैंने कोर तोड़ा है, अब मुंह में जा रहा है, अब चबा रहा हूँ, अब भीतर जा रहा है, मन बराबर इसके साथ लगा रहे तो शायद एक बड़ी दवा भी आप साथ में ले रहे हैं। कोरा खा नहीं रहे हैं, एक दवा ले रहे हैं, वो पाचक रस साथ में ले रहे हैं, जिससे कि आपका पाचन तंत्र बहुत सहजता से काम करेगा। हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें, एक कोण इसका दूसरा है कि ध्यान समय प्रतिबद्ध होता है, कोई भी व्यक्ति 24 घंटा बैठ के ध्यान नहीं कर सकता। वह दिन में 5-7 घंटा नींद भी लेता है, भोजन भी करता है,
शरीर की सारी क्रियाओं से भी निपटता है, आवश्यक क्रियाएं सारी करता है। 24 घंटा कोई कर नहीं सकता, मुश्किल से कोई 5-7 घंटा कर ले कोई बड़ा साधक हो तो, सामान्य आदमी तो घंटा 2 घंटा भी मुश्किल से कर पाता है। तो 24 घंटा ही किया जा सकता है, यह समय प्रतिबद्ध नहीं है, काल प्रतिबद्ध नहीं है, हर समय यह ध्यान किया जा सकता है। आप कोई भी काम करें ध्यान में रह सकते हैं, भावक क्रिया का प्रयोग सीख जाएं। हर समय किया जाने वाला ध्यान, नींद में भी ये ध्यान हो सकता है। जो व्यक्ति भावक क्रिया का प्रयोग करता है बहुत अच्छी नींद लेता है और उसमें भी जागरूक रहता है, नींद में भी जागरूक, और भावक क्रिया नहीं जानता, पहली बात तो है तो नींद आती मुश्किल से। ये नींद की गोलियां उन्हीं लोगों को खानी पड़ती है जो भावक क्रिया को नहीं जानते, सो जाते हैं और घंटा भर तक नींद नहीं आती, 2 घंटा नींद नहीं आती, 3 घंटा नींद नहीं आती, फिर लोग गोलियां भी लेते हैं और बड़े बड़े कारखाने अरबों खरबों की नींद लेने की गोलियां मजे से चल रही है, कारण वे भावक क्रिया को नहीं जानते। कोई 2 आदमी मिल गए, ऐसे ही थे जिनका मन बड़ा भटकाव में रहता था। एक बोला कि भाई मेरी एक बड़ी समस्या है। क्या? कि मैं सो जाता हूँ, 3 घंटा तक मुझे नींद नहीं आती। दूसरा बोला मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं तो सोता हूँ नींद आ जाती है, पर मेरी एक समस्या है कि 3 घंटा बिछोना खोजने में लग जाता हूँ। अब दोनों ही बातें ठीक है कि नींद तो नहीं आई, कोई नींद नहीं ले रहा है, कोई बिछोना खोजने में लगा हुआ है। नींद क्यों नहीं आती? हमारी स्वाभाविक क्रिया है आहार नींद, ये तो मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है। नींद क्यों नहीं आती? इसीलिए कि भावक क्रिया का अभ्यास नहीं है। अगर भावक क्रिया का अभ्यास हो तो शायद नींद लेने में दूसरा क्षण भी नहीं लगता। कहते हैं महात्मा गांधी यात्रा करते थे, जाते थे, और किसी ने बता दिया कि अभी रेल आने में 2 मिनट की देरी है। गांधी कहते मैं 2 मिनट नींद लेता हूँ, बैठ जाते, 2 मिनट नींद लेते और गाड़ी आते ही उठ जाते। तो भला नींद तो अपने आप आ जाती है संकल्प के साथ। मेरा तो इसमें बड़ा अनुभव है सारा। मैं प्रवचन में आता हूँ, पहले काम करता हूँ और फिर विश्राम करना जरूरी होता है, बीच में विश्राम करता हूँ और बस 5 मिनट नींद लेनी है तो 5 मिनट नींद तत्काल लेकर फिर यहाँ आ जाते हैं हम। यह निश्चित बात है कि मन की एकाग्रता और भावक क्रिया 2 की साधना हो तो आप बहुत आनंद के साथ जी सकते हैं। न नींद की बाधा, न और कोई बाधा, ठीक समय पर अपना काम, समय का नियोजन करें, वह तभी संभव है जब हम भावक क्रिया करना जानते हैं। मैंने अनेक बार जो मैनेजमेंट के जो प्राध्यापक आदि अधिकारी मिले उनसे कहा कि यह प्रबंधन का बहुत कठोर पाठ्यक्रम है, बहुत भारी श्रम करना पड़ता है, सामान्य पाठ्यक्रम नहीं है, किंतु एक कमी है कि आप प्रबंधन के विद्यार्थी को एकाग्रता का अभ्यास नहीं कराते, भावक क्रिया का प्रयोग नहीं कराते। अगर उसके साथ भावक क्रिया का प्रयोग जुड़ जाए, एकाग्रता का अभ्यास जुड़ जाए, तो यह मैनेजमेंट का सिद्धांत आज बहुत काफ़ी सफल हो सकता है, किंतु धार्मिक आदमी को तो सोचना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझने का प्रयत्न करता है, शायद उसके लिए मैनेजमेंट की अलग से पढ़ने की जरूरत भी शायद नहीं रहती। उलासदी गोलछा अमेरिका में गए और वहाँ मैनेजमेंट के कोर्स में भाग लिया। बाद में जो प्रोफेसर थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप जो करा रहे हैं इसका 70% भाग तो हमारे प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में कराया जाता है, प्रेक्षा ध्यान का ही प्रयोग है सारा।
तो धर्म का प्रयोग और कर्म का प्रयोग, सफलता का प्रयोग कोई अलग नहीं होता। मूल बात है मन को समझना, भावों को समझना, मन की समस्या को सुलझाना और भावों की समस्या को सुलझाना। वे रहस्य अगर हमारे हाथ में आ जाते हैं तो सब काम ठीक हो जाता है। एक ऐसा अभ्यास शुरू करें, छोटा सा अभ्यास, और पहले भोजन का लें या पानी का लें। पानी पी रहे हैं, भावक क्रिया के साथ जो पानी पिएगा तो अलग ही पीना होगा। मैं कम काम पड़ता है, कभी कभी लोग सामने बैठे होते हैं, दूर दराज देख लेते हैं, पानी पीते हैं, ऐसा पीते हैं कि वह राजस्थान की कहावत है, तू आयो मैं चाल, बस सीधी गिलास ऐसे उंडेलते हैं कि मानो किसी गड्ढे में डालनी हो। पानी पीने का भी अपना नियम होता है, दूध पीने का भी अपना नियम होता है, और खाने का भी अपना नियम होता है। पीना इतना धीमे चाहिए कि एक गिलास दूध पिए तो कम से कम दो चार मिनट का समय तो उसमें लगना ही चाहिए, तब भावक क्रिया होती है। पी रहा है वो जान रहा है कि मैं पी रहा हूँ, पर खाने में कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि मैं तो 5 मिनट में भोजन कर लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात की, तुमने अनर्थ कर दिया, अपना अहित कर लिया। जिस भोजन को चबाने में 20 मिनट तो कम से कम लगना चाहिए और 5 मिनट में कर लेते हो, कौन सी बड़ी बात की। और कुछ लोग आते हैं कहते हैं मैं तो 5 मिनट में माला जप लेता हूँ, हमें तो बहुत बुरा लगता है, 5 मिनट में माला जपते हो इसे तो अच्छा है, नहीं जपो तो अच्छा रहेगा तुम्हारा। एक नवकार मंत्र की माला अगर कोई सम्यक प्रकार से ठीक ढंग से गिने तो कम से कम समय लगना चाहिए आधा घंटा, आधा नहीं तो 20 मिनट तो लगिया ही नहीं तो मिलेगा कैसे, फिर तुमने मिलने का रास्ता ही नहीं खोजा। 5 मिनट में कोई जप नहीं किया जा सकता, 108 बार का परिभ्रमण परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कम से कम 20-25 मिनट आधा घंटा लगे तब तो उसका स्वाद आता। लोग कहते हैं ना बहुत बड़ा स्वाद आया, स्वाद आता ही नहीं है, उसका रस भी नहीं बनता। ठीक समय लगना चाहिए, तो समय का नियोजन, एकाग्रता और भावक क्रिया, तीनों का योग मिले तब कोई काम पूरा होता है, सफलता मिलती है। आप निश्चित कर सकते हैं कि अपने इष्ट का जप करें और उसके साथ तादात में स्थापित कर लें, एकाकार हो जाएं, तो आपको चमत्कार लगेगा, आपको कुछ लगेगा कि कोई मेरा साथ दे रहा है, मेरे पास आ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है और कोई सफलता मिल रही है। एक वर्ष में भी अनुभव हो जाता है, कुछ महीनों में भी हो सकता है। और तादाद में स्थापित न करें, दूध अलग चीनी अलग, आप चीनी का स्वाद नहीं आएगा। जब चीनी दूध में घुलेगी तब लगेगा कि मिठास हुई है, अब घुलती नहीं है। जिसका ध्यान करते हैं उसके साथ आपका तादाद में नहीं होता, आप एकाकार नहीं होते, आपकी समापत्ति नहीं होती, तब वह काम नहीं हो सकता। स्फटिक के सामने कोई रंग रखो, स्फटिक वह उस रंग में रंग जाएगा। स्फटिक है, लाल हो तो लाल बन जाएगा, पीला है तो पीला बन जाएगा, तादाद में हो जाएगा। ये तादाद में की जो प्रक्रिया भावक क्रिया है कि जब उसके साथ हम एकाकार नहीं होते तब तक काम नहीं होता। जयाचार्य ने बहुत बार लिखा है, प्रभु लीन पणे तुझे ध्याविया, जब लीनता के साथ लिखा कि विमल प्रभु, आपका ध्यान करने वाला भी विमल बन जाता है। कैसे बनता है विमल का ध्यान करने वाला विमल, कि जब विमल के साथ अपनी एकात्मकता कर लेता है, अपने लय को तार को जोड़ देता है और भेद मिटा देता है। दो तरह के हमारे प्रणिधान होते हैं, भेद प्रणिधान और अभेद प्रणिधान। जब भेद समाप्त हो जाता है, दूरी समाप्त हो जाती है, तो फिर उस सामने वाले व्यक्ति का जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जिस इष्ट का जप कर रहे हैं, उसके गुण ध्यान करने वाले में संक्रांत होने लग जाते हैं और वह वैसा बन जाता है। वैसा बन जाता है यह कोई कल्पना नहीं है।
न कोई अतिशयोक्ति है और न कोई रोम कुछ भी नहीं है इसमें। बनने की प्रक्रिया है, पर कैसे बनेगा उसका माध्यम है भावक क्रिया। आप चाहे पूरे शिविर में भाग लें या न लें, शिविर के सारे रहस्यों को समझें न समझें, अभ्यास करें या न करें, केवल एक भावक क्रिया को ठीक से समझ लें और उसे पकड़ लें और इस बात को जमा लें कि जिस समय जो काम करें उस समय मन उसी में लगा रहे। कोई आदमी रोता है तो मन रोने में लगा रहे, हंसता है तो मन हंसने में लगा रहे, गाली देता है तो मन गाली में लगा रहे, और प्रशंसा करता है तो मन प्रशंसा में लगा रहे, उस काम में लगा रहे, तब तो वह काम ठीक होने लगता है और फिर शायद रोना गाली देना भी बंद हो जाता है। पर मन दूसरी बात में लगा रहता है तो यह खंडित व्यक्तित्व, मनोविज्ञान की भाषा में है ड्यूअल पर्सनैलिटी, खंडित व्यक्तित्व। वह खंडित व्यक्तित्व ही समस्या पैदा करता है। हमारा व्यक्तित्व अखंड बने, और अखंड बनने का साधन है भावक क्रिया। हम इसको ठीक समझने का प्रयत्न करें तो भावक क्रिया के द्वारा हम बहुत सफल हो सकते हैं। जीवन की सफलता का सूत्र, धर्म की साधना का महत्वपूर्ण सूत्र और जीवन की सफलता का भी बहुत बड़ा सूत्र है हमारी भावक क्रिया। अगर ठीक इसको समझ लिया जाए और छोटे छोटे विद्यार्थियों को अगर भावक क्रिया का अभ्यास शुरू से करा दिया जाए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बड़े लोगों का मन तो जरा बहुत ज़्यादा खंडित रहता है, इतना टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कभी किसी में गया, कभी किसी में गया, कभी किसी में गया। छोटे बच्चों का मन तो इतना खंडित नहीं होता, उनके सामने ज़्यादा विषय वस्तु नहीं होती, इससे मन भी टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता, मन सघन रहता है बच्चे का, एकाग्र ज़्यादा हो सकता है बच्चा। अगर उसको ठीक समझा दिया जाए बहुत अच्छा हो सकता है, और ठीक नहीं समझा जाए, समझाया जाए तो बच्चे भी ठीक बात को समझ नहीं पाते और धीरे धीरे उनके भी मानसिक समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं। आजकल तो छोटे बच्चों में भी मानसिक समस्याएं काफ़ी है। हमने 10 वर्ष के बच्चों को देखा जो टीवी देखने वाले हैं, और भी कुछ बहुत देखने वाले हैं, उनमें भी काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती है, और होशियारी तो इतनी बढ़ जाती है कि पुराने ज़माने के 50 वर्ष का आदमी जितना होशियार नहीं होता, शायद आज का 10 वर्ष का बच्चा और ज़्यादा होशियार हो जाता है। होशियारी तो बढ़ जाती है पर भीतर की चेतना सो जाती है, कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। इसलिए जो भी अपना, अपने परिवार का, अपनी भावी पीढ़ी का, संतान का जो हित करना चाहे, उस व्यक्ति को स्वयं ये भावक क्रिया का अभ्यास करना और उसके लिए दूसरों को प्रेरित करना, और कम से कम अपने संतान को भावक क्रिया के रास्ते में ले आना बहुत आवश्यक लगता है। चिंता करते हैं, कल रात को एक अधिकारी, काफ़ी बड़े अधिकारी थे, आए थे, उनकी लड़की की कोई समस्या थी, तो उनको यही चिंता थी कि यह कैसे ठीक हो सकती है, इसमें परिवर्तन कैसे आ सकता है। तो माता पिता को चिंता तो रहती है, पर यह चिंता रहे कि उनका जीवन अच्छा कैसे बन सकता है, इस बात की चिंता करें तो बचपन से भावक क्रिया का अभ्यास शुरू करा दिया जाए तो बच्चा जल्दी पकड़ सकता है, तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए आप सब लोग भावक क्रिया को, उसके हृदय को समझने का प्रयत्न करें, उसका अभ्यास करें, और उस अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने में आगे बढ़ें। ओम आशा।